सो वेलकम बैक गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे OB44 के जो कैरेक्टर एबिलिटी चेंज किए जाएंगे वो कौन से कैरेक्टर रहने वाले हैं और कितने कैरेक्टर की एबिलिटी यहाँ पे चेंज होने वाली है। जैसे हमारा OB अपडेट आता है तो आप लोग को पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे एबिलिटी के अंदर बदलाव किया जाता है। तो देखते हैं कौन से कैरेक्टर होने वाले। सबसे पहले यार बात करते हैं यहाँ पे हमारा सेंटेनियो कैरेक्टर है, ठीक है। तो सेंटोनियो के अंदर क्या बदलाव किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखो सेंटोनियो की एबिलिटी तो वैसे तो सिमिलर ही रहने वाली है, बट जो यहाँ पे इसका कूल डाउन टाइम है यानी कि जो उसको चार्ज होने का टाइम है वो यहाँ पे अभी हमारा जो रिसेंट अभी एवर चल रहा है उसके अंदर हम लोग को 75 सेकंड देखने के लिए मिल रहा है, बट अपडेट के बाद यहाँ पे 60 सेकंड हो जाएगा। तो छोटा सा अपडेट है बट बहुत काम की चीज़ होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैरेक्टर रहने वाला है वो है जोसेफ कैरेक्टर। और जोसेफ के अंदर क्या एबिलिटी की चेंज किया जा रहा है, वैसे तो इसका भी यहाँ पे एबिलिटी वो सिमिलर ही रहने वाला है, बट जो इसका कूल डाउन टाइम है पहले यहाँ पे अभी जो हमारे अभी अपडेट चल रही है उसके अंदर यहाँ पे 60 सेकंड है, ठीक है। अब अपडेट के बाद उसको आप लोग को 45 सेकंड के बाद यहाँ पे रिसेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि भाई काफ़ी हद तक ये कैरेक्टर काम करेगा, आप लोग की मूवमेंट भी बढ़ेगी, बूस्ट करेगा और साथ में यहाँ पर एबिलिटी वर्क भी करने वाली है, यानी 45 सेकंड के अंदर फिर से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। तो भाई अच्छा खासा यहाँ पर इसका यूज़ होने वाला है। इसके बाद होने वाला है गाइस यहाँ पे ओरायन या फिर ओरियन आप लोग जो भी बोलो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या एबिलिटी के अंदर चेंज किया जा रहा है, तो रिसेंट एबिलिटी जो हमारी वर्क करी है वो क्या है, तो यहाँ पे आप लोग को 200 क्रिसमस एनर्जी की यूज़ करोगे तभी आप लोग ओरायन बन सकते हो, ठीक है। बट अपडेट के बाद यहाँ पे आप लोग को 150 यहाँ पे क्रिसमस एनर्जी यानी कि EP आप लोग पकड़ लो, EP अगर 150 होगी तो आप लोग यहाँ पे यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो भाई काफ़ी हद तक पहले था वही सिमिलर एबिलिटी फिर से इसके अंदर डाल दी गई है, तो भाई काफ़ी हद तक इसका भी यूज़ बढ़ने वाला, ठीक है। तो काफ़ी हद तक बढ़िया लग रहा है। इसके बाद आएगा कि यहाँ पे तात्सुया, ठीक है। जो कि तात्सुया के अंदर क्या है, तो इसकी एबिलिटी भी यहाँ पे थोड़ा सा गाइस यहाँ पे इसको गिराया जा रहा है, ठीक है। इसकी ज़्यादा एबिलिटी यूज हो रही है अभी रिसेंट, यहाँ पे उसका कूल डाउन टाइम देखते हैं, ठीक है। तो वो गाइस रहता है यहाँ पे 45 सेकंड, बट अपडेट के बाद आप लोग को यहाँ पे 60 सेकंड के बाद इसको यूज कर पाओगे, और वैसे तो दो बार आप लोग यूज़ कर पाओगे, सिमिलर एबिलिटी रहने वाली है, बट इसका कूल डाउन टाइम है उसको ही यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। तो भाई काफ़ी हद तक जो तात्सुया यूज़ कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, बट यूज़ कर सकते हो आप लोग क्लैश कोड के, हर राउंड के अंदर इसका यूज़ देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे तो काफ़ी हद तक सही भी है, ठीक है, क्योंकि दो आप लोग हर राउंड के अंदर यूज़ कर पाओगे। इसके बाद आता है गाइस यहाँ पे कैपेला कैरेक्टर के अंदर क्या बदलाव किया जा रहा है, तो कैपेला की एबिलिटी तो सिमिलर ही रहने वाली है, बट इसके अंदर एक छोटा सा यहाँ पे चेंजेस किया जा रहा है वो है गाइस यहाँ का, अगर आप लोग किसी भी एनिमी को यानी कि हमारे फ्रेंड होंगे उनको रिवाइव कर देते हो, ठीक है, तो वो तो 80 शील्ड पॉइंट तो हम लोग को मिलने वाला है, बट इसका जो बूस्ट होगा, जो हम लोग को मूवमेंट बूस्ट मिलने वाला है वो यहाँ पे 20% होने जाने वाला है, ठीक है। यानी अपडेट में 10 सेकंड था उसकी जगह पे यहाँ पे 20% मूवमेंट स्पीड बढ़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कैरोलिन की, तो कि कैरोलिन के अंदर भी काफ़ी हद तक अच्छा बदलाव किया जा रहा है। अब शॉटगन यूज़र हो तो आपके लिए एक अच्छा खासा यहाँ पे अपडेट देखने के लिए मिलेगा ओरायन यहाँ पे कैरोलिन के अंदर। कैरोलिन पहले यहाँ पे 13% ही हम लोग मूवमेंट स्पीड भाग रही थी, बट अपडेट के बाद यहाँ पे 18% मूवमेंट स्पीड से तेज़ी से भागेगी। तो वही इसका यूज़ शॉटगन वालों के लिए काफ़ी बढ़िया होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा बंदे इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि भाई 18% इसका हो गया, फिर काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर जो है मूवमेंट स्पीड देते उन सभी को मिला के करेंगे तो भाई काफ़ी बढ़िया भागने वाली कैरेक्टर रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर कैरोलिन की काफ़ी यूज़ होने वाला है। अपडेट के बाद बात करें तो यहाँ पे हमारा एक और कैरेक्टर यहाँ पे हमारी जो हमारी क्या नाम है निकिता कैरेक्टर, ठीक है। तो निकिता के अंदर भी अच्छा खासा यहाँ पे बदलाव देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे स्नाइपर वालों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है यहाँ पे हमारी निकिता, क्योंकि यहाँ पे हमारी निकिता होगी वो 30% यहाँ पे आप लोग का गन रिलोड करके देगी। अब कोई भी वेपन अगर आप लोग यहाँ पे उसको रिलोड करते हो, ठीक है, तो भाई 30% उसका रिलोड स्पीड बढ़ जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया कैरेक्टर रहने वाला है ये भी स्नाइपर यूज़र के लिए, तो और भी बेहतरीन से कैरेक्टर यहाँ पे मैं कहने वाला हूँ, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया ये कैरेक्टर यूज़फुल होगा। इन सारे कैरेक्टर के अंदर आप लोग को बदलाव देखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज कोई भी कैरेक्टर के अंदर आप लोग को और भी कोई अपडेट होता है, ठीक है, कैरेक्टर एबिलिटी अपडेट होती है, कुछ चेंजेस वगैरह आता है, तो मैं आप लोग को शेयर करूंगा वो सारी चीज़ें। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस आज के वीडियो तो इतना ही था, आई होप की वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए लव यू ऑल, जय।